आप सभी का स्वागत है प्रीतिज मैजिक कुकिंग में। आज हम बनाएंगे मूंग की मदद से बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट से बन जाने वाली सब्जी, जो कुछ ही सामग्री की मदद से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए जानते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने हरा मूंग लिया है, आलू लिया है दो, एक प्याज लेना है और दो टमाटर लेना है। सबसे पहले हरे मूंग को एक कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इससे मूंग का स्वाद दुगुना हो जाता है और ये पकने में भी बहुत ही आसान हो जाता है। अभी यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लेना है और प्रेशर कुकर में जैसा कि दो आलू लिया था उसके छिलके उतार ले और मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके डाल दें। प्याज भी दो लिया था, उसको भी कट करके मोटे मोटे टुकड़ों में डाल देना है। हरी मिर्ची डाल दें और प्याज भी मोटे टुकड़ों में कट करें। अभी हम मूंग को डाल देंगे और साथ ही साथ यहाँ पे बड़े कप से एक कप पानी डालना है, अगर छोटा कप है तो दो कप पानी डालें। थोड़ा सा नमक डालना है ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं और हल्दी पाउडर डालना है एक छोटे चम्मच। प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और इसे धीमे आंच पे हमें चार विसल लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है, कुछ इस प्रकार से इसे पका लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कढ़ाई ले लें, उसमें तेल डाल लें, तेल को थोड़ा गर्म होने दें और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और इसे थोड़ा सा भून लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। यहाँ पे कटे हुए प्याज को डाल देना है और उसे भी थोड़ा सा भून लेना है और कटे हुए टमाटर को डाल के और हरी मिर्ची भी एक लेकर काट लें और उसे भी डाल दें और इसे भी थोड़ा सा हमें भून लेना है। अभी यहाँ पे साबुत जीरा डालें एक छोटे चम्मच से और इसे भी हमें भूनते रहना है। बहुत ही कम मेहनत में और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाला मूंग का सब्जी है ये। और जब भी कभी कुछ अलग सा खाने का मन कर रहा हो, हम रोज़ की सब्जियां खाकर बोर हो जा रहे हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अभी जो हमने प्रेशर कुकर में पकाया था मूंग और आलू को, उसको डाल दें सब्जी में और इसे एक कद्दूकस करने वाले की मदद से इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर ले। मेरे पास कद्दूकस करने का नहीं था, आपके पास अगर है मशीन तो आप कर ले, नहीं है तो जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ या फिर किसी कप और ग्लास की मदद से भी आप इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर सकते हैं। और इसे धीमे आंच पे आपको पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए ढककर। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दाल पक गया है। अभी यहाँ पर मैं डालूँगी बटर। तो बटर मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच से बटर यहाँ पर डाला है। अगर बटर नहीं है तो आप यहाँ पे देसी घी भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद और भी अच्छा आता है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ। तेल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो इसमें हम साबुत जीरा डालेंगे। अभी यहाँ पर हम कटे हुए प्याज को डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अभी थोड़ा सा टमाटर ले लें छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके, उसे भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तड़का लगाने से सब्जी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ले लें। याद रहे आपने पहले भी नमक रखा है सब्जी में। इसे धीमे आंच पे थोड़ी देर के लिए पकने दें। अभी साथ ही साथ यहाँ पे मैंने घी डाला है। घी यहाँ पे छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाला है मैंने। घी से स्वाद और भी अच्छा हो जाता है सब्जी का। मिर्ची आप अपने अनुसार, अगर आपको तीखा खाना बहुत पसंद है तो आप लाल मिर्ची यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको लहसुन भी खाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो आप लहसुन भी यहाँ पर डाल सकते हैं साबुत, और इसे अच्छी तरह से पका लें। अभी यहाँ पे दाल आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो इसमें हम तड़का लगा लेंगे। दोस्तों आप ये सब्जी एक बार ज़रूर से बनाएं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं आपको कैसी लगी सब्जी। अभी यहाँ पे ऊपर से एक नींबू का रस मैंने डाल दिया है, ये स्वाद को और भी अच्छा बढ़ा देता है। आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।
ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके।